क्या कोई बड़ा कंफ्यूजन है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षकों के बीच में, इन तीनों के बीच में मामला कहां उलझ रहा है? जब बिहार लोक सेवा आयोग ने 8-8 लाख बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों की परीक्षा कंप्यूटर आधारित नहीं ली, यानी ऑनलाइन नहीं ली, तब ये बाकी जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, जिनको कंप्यूटर के आधार पर बहाली नहीं की गई, ये अफसरशाही बढ़ रही है, मनमानी बढ़ रही है, एक पदाधिकारी सबको तबाह और प्रताड़ित कर रहा है शिक्षकों को, इसलिए इसको अविलंब हटाइए और तभी शिक्षा विभाग और शिक्षकों का कल्याण हो सकेगा। उन्हीं के पाठक के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी अधिकारी हैं, जिस वजह से उनको ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और उनके आने से ये हुआ है कि शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचने लगे। कई सारे राह चलते आपको भी लोग कहते होंगे सर। जी मैं स्वीकार करता हूँ, जो भी समाज है, चाहे IAS हो, IPS हो, सरकारी कर्मी हो, सबों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हम 1% कह सकते हैं कि ऐसे लेट लतीफ शिक्षक हैं, लेकिन उनके कारण आप 99% शिक्षकों को गुनाहकार साबित कर रहे हैं, उनको तनाव में, उनको प्रताड़, महिलाएं के लिए, बाप रे, महिलाएं जो जाती हैं बाल बच्चा गोदी में बच्चा लेकर के, बूढ़ी माँ की दवा लेकर के, बूढ़े बाप की दवा लेकर के, कैसे वो 9-10 बजे रात पहुंचती है, इसकी कल्पना करके देश से हर जाती है। जो फैसला होगा शिक्षकों के हित में सरकार फैसला लेगी। विजय चौधरी जो नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं, उन्होंने भी कहा कि हम लगातार शिक्षक संघ से और शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा तो देना ही होगा, क्योंकि बात लगातार चल रही है कि सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक देंगे, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी। विजय सिन्हा का क्लियर कट कल जवाब आया कि माफ करिएगा, विजय चौधरी का जो जवाब आया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। सवाल यह है कि आखिर यह कंफ्यूजन क्यों है? क्या वाकई जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे उनकी नौकरी चली जाएगी, या फिर शिक्षकों की मांग किस स्तर तक की है जो कि सरकार उसे सुन नहीं रही है? लगातार शिक्षक जो है, नियोजित शिक्षक अपनी मांग करते रहे हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि मामूली परीक्षा उन्हें देनी होगी और उनको हम परमानेंट कर देंगे। तमाम शिक्षक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया था और उसके बाद लगातार तमाम तरह की बातें भी कही गई। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब पटना की सड़कों पर प्रदर्शन होता है, उसमें शिक्षकों का प्रदर्शन होता है और भारतीय जनता पार्टी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती है और शिक्षकों की हित की बात करती है। लेकिन जब वही भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो शिक्षक अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं कि आपके पास जब हम जुलाई में आए थे तब आपने कुछ और बात कही थी, आज क्या वो बात से आप मुकर रहे हैं, पलट रहे हैं? तमाम तरह के सवाल हैं। इन सवालों के बीच हम दो और सवाल जानने की कोशिश करेंगे। एक सवाल चूंकि बीएड शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, जो बीएड शिक्षक 1-5 में है उनसे जुड़ा भी कई तरह के सवाल आ रहे हैं और इस लाइव सेशन के दौरान हम चाहेंगे कि आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आपके मन में भी कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। और दूसरा, डीएलएड प्रशिक्षण की मान्यता पर भी जो सवाल अब लगातार उठ रहे हैं उन पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व सांसद और बिस्टा के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शिक्षक इतने आंदोलनरत क्यों हैं, जबकि जो विजय चौधरी का कल का बयान था उसके बाद आश्वासन भी मिला। पहले सवालों के मूल में आते हैं, शिक्षकों की मांग क्या है और सरकार क्या उन मांगों को नहीं मान रही है? क्या शिक्षा विभाग, जिनकी जिम्मेदारी अभी के पाठक की, हम सीधे सीधे सवालों पर आते हैं, क्या कोई बड़ा कंफ्यूजन है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षकों के बीच में, इन तीनों के बीच में मामला कहां उलझ रहा है? सीधा सवाल। देखिए, मूल मांग का जहां तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री ने ही हमारी मांग मान ली मामूली परीक्षा की सार्वजनिक घोषणा करके, और हम लोगों ने शालीनता पूर्वक
संयम के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि भितहरवा से लेके 11 जुलाई को राजधानी मुख्यालय विधान मंडल के सामने प्रदर्शन करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री और तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया सदन के अंदर सदन के बाहर और माननीय मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि शिक्षक संघ के साथ वार्ता होगी और उनकी कठिनाइयों को उनकी समस्याओं को हम लोग देखेंगे, उनके हित के लिए सरकार काम करे। हम लोग इंतजार करते रहे। उन्होंने एक प्रारूप प्रकाशित किया कि सरकार इस प्रकार से नियोजित शिक्षकों के लिए नियमावली बनाएगी और उनका नाम दे दिया विशिष्ट शिक्षक नियमावली। प्रारूप प्रकाशित किया, सुझाव मांगा गया हितबद्ध वर्ग, हम लोग हितबद्ध वर्ग हैं क्योंकि हमारे लिए यह सेवा सर नियमावली आ रही है। लगभग 1,00,000 शिक्षकों ने सुझाव दिया, किसी सुझाव को नहीं माना। उस प्रारूप में था कि यदि आप इम्तहान में फेल हो जाएंगे, इम्तहान नहीं देंगे तो आपको सेवा से हम हटा देंगे। लेकिन जो कैबिनेट ने पास किया उसमें सेवा से हटाने की बात नहीं है ये, और ऑनलाइन परीक्षा की भी बात नहीं है। अचानक पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के सिवा तो किसी पदाधिकारी को कुछ करने का दम कहाँ है। मंत्री तो माननीय मुख्यमंत्री के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं और कोई पाठक, कोई मिश्रा, कोई झा पदाधिकारी कहां से बोलने की हिम्मत करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में फैसला कर लिया, अभी परीक्षा हुई ही नहीं, कितने परीक्षा दी नहीं दी, कौन पास किया फेल किया, और शिक्षा विभाग ने एक फरमान जारी कर दिया कि खबरदार परीक्षा में बैठो। आवेदन पत्र में लिखो यह शर्त, 3 जिले का विकल्प देना होगा, सामूहिक तबादला करेंगे, और यदि आप नहीं देंगे तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे ये 3 जिले का विकल्प। और जो नियमावली में नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा नियमावली में नहीं है, जब बिहार लोक सेवा आयोग ने 8,00,000 बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों की परीक्षा कंप्यूटर आधारित नहीं ली, यानी ऑनलाइन नहीं ली, तब ये बाकी जो 4,00,000 नियोजित शिक्षक हैं जिनको कंप्यूटर के आधार पर बहाली नहीं की गई, उनको आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि आपका इम्तहान हम लेंगे, ऑनलाइन लेंगे, कंप्यूटर आधारित देंगे और सेवा से बर्खास्त कर देंगे, सामूहिक तबादला कर देंगे। शिक्षा विभाग ने ही शिक्षकों को उकसाया और मुख्यमंत्री मूक दर्शक बने हुए रह गए। इसीलिए यह उत्तेजना, ये आक्रोश फैली, सारा खुराफात शिक्षा विभाग का है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं, देखिए इसको तो हम राजनीतिक सवाल की तरफ नहीं ले जाना चाहते, लेकिन फिर भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या अफसरशाही जो है वो ज्यादा हावी है शिक्षा विभाग में, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं सरकार या फिर उस जो नियमावली है उसमें ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है और दूसरी तरफ ऑनलाइन अगर थोपा जा रहा है शिक्षकों पर। सवाल तो ये भी उठ रहा है, हम दूसरे सवाल पे वापस आएंगे कि आखिर कब तक बिहार के शिक्षक कंप्यूटर सीखेंगे, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल अफसरशाही से जुड़ा हुआ है, क्या ये ज्यादा हावी है और इसकी परिणति हम देख रहे हैं कि शिक्षक सड़कों पर हैं, सरकार के पक्ष से कुछ और बयान आ रहा है, विभाग की तरफ से आदेश कुछ और जारी किया जा रहा है। और उस समय इस अफसरशाही के खिलाफ उस समय के जो विपक्ष के थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम माननीय विधायकों ने न केवल सदन के अंदर बल्कि सड़क पर भी कहा कि नियोजित शिक्षकों ने कई परीक्षाएं दे दी हैं, बिना परीक्षा लिए इनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और उन्होंने उनके राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य माननीय सुशील कुमार मोदी ने भी कहा कि अफसरशाही बढ़ रही है, मनमानी बढ़ रही है, एक पदाधिकारी सबको तबाह और प्रताड़ित कर रहा है शिक्षकों को, इसलिए इसको अविलंब हटाइए और तभी शिक्षा विभाग और शिक्षकों का कल्याण हो सकेगा। मैंने सदाकत आश्रम जाकर के भाजपा कार्यालय में जाकर के माननीय सुशील कुमार मोदी से भी आग्रह किया, दोनों मुख्यमंत्री से आग्रह किया
कि अभी इंटर की परीक्षा समाप्त हो गई, कल से मैट्रिक की परीक्षा में हजारों हजार हमारे शिक्षक लगेंगे, लाखों 17 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। तब आप कहते हैं कि आवेदन पत्र भरिए, तब आप कहते हैं 3 जिले के तबादले का विकल्प दीजिए, नहीं तो जहां तहां, तब आप कहते हैं कि कंप्यूटर सीखिए, 5 बजे तक विद्यालय में रहिए और 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे रात से जाइए 40 किलोमीटर जो ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल है उसमें कंप्यूटर सीखिए। ये तानाशाही चल रही है शिक्षा विभाग में। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, यद्यपि अभी अस्थाई विभाग किसी को मिला ही नहीं है, कौन शिक्षा मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, यही जो फरमान है शिक्षा विभाग का, प्रताड़ना का फरमान, अपमानित करने का फरमान। सरकार इसको अविलंब वापस कर ले कि हम सब की परीक्षा लेंगे, ऑफलाइन परीक्षा लेंगे, हम सामूहिक तबादला नहीं करेंगे। ये जो 2 आदेश है आप इसको हटाइए और तत्काल इसको स्थगित कीजिए जब तक मैट्रिक की परीक्षा खत्म नहीं होती है। इंटर का मूल्यांकन, मैट्रिक की परीक्षा, उसका मूल्यांकन खत्म नहीं होता है तब तक आवेदन पत्र शिक्षक नहीं भरेंगे, और मूल्यांकन कार्य के बाद फिर हमसे बात करे या कल बातचीत करे सरकार, हम लोग 24 घंटे तैयार है। इन शर्तों को हटाए बिना परीक्षा में नहीं बैठेंगे शिक्षक। सम्राट चौधरी ने सर आश्वासन दिया है कि आप आइए मिलिए और जो भी बातचीत होगी उस पर हम पहल करेंगे, कोशिश करेंगे उस पर पहल करने की। यही सम्राट चौधरी जो शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरते भी हैं जब विपक्ष में होते हैं, लाठियां भी खाते हैं, और लेकिन कल की खबर यह है कि कल शिक्षकों पर ही लाठी चार्ज हो गया उनके घर के आगे। शिक्षकों पर जो लाठी चार्ज किया गया उसकी हम तो घोर निंदा करते हैं, और माननीय सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री फिर अपने कक्ष से बाहर, पार्टी दफ्तर से बाहर आकर के शिक्षकों को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि हम आपसे बातचीत करेंगे और किसी की नौकरी नहीं जाएगी जब तक शिक्षा विभाग के उस आदेश को वापस नहीं लिया जाएगा, और जिस पदाधिकारी ने नियम विरुद्ध शिक्षकों को हटाने के लिए इतना उबाल पैदा कर दिया, फरमान जारी कर दिया, अखबारों में छपवा दिया, उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई सरकार करना चाहती है? इसको माननीय सम्राट चौधरी आश्वस्त करें शिक्षकों को। शिक्षक निश्चित तौर पर जब तक शर्तों को आप वापस नहीं करेंगे तो आक्रोशित रहेंगे और पठन पाठन पर बुरा असर पड़ेगा। मतलब एक और सीधा सवाल हैं, कई सारे दर्शक हमारे पूछ रहे हैं, तो क्या ये सब जो कुछ भी चल रहा है इसकी वजह वो अधिकारी ही हैं जिनका बार बार जिक्र आता है और बार बार उनके आदेश जो आते हैं जब शिक्षकों के सामने स्कूलों में जब आते हैं आदेश तो शिक्षक भी परेशान हो जाते हैं, क्या सारी सारा जो विवाद है इसके जड़ में वो अधिकारी ही हैं? निश्चित तौर पर इसमें तो पूरा राज्य बच्चा बच्चा जानता है, और कुछ लोग भले ही प्रसन्न है कि पढ़ाई हो रही है, शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन इस देश में कहीं भी 10 से 5 कहीं पढ़ाई के लिए लोगों को धमकी नहीं दी जा रही है। रूटीन विद्यालय में सब दिन प्रधानाध्यापक बनाते थे, ये सचिवालय से रूटीन बना करके भेज रहा है, और 24 घंटा रोज रोज वीडियोग्राफी कीजिए, रोज रोज ऑनलाइन लीजिए, रोज निरीक्षण कीजिए, इससे विद्यालय में वातावरण तनावपूर्ण है। शिक्षकों को तनाव में रख करके गुणात्मक शिक्षा और बेहद जो छात्र छात्राओं के गुणात्मक विकास के प्रयास में बाधक हैं ये पदाधिकारी, इसलिए इस पदाधिकारी के रहते जब तक तनाव मुक्त हमारा शिक्षक समाज नहीं हो जाएगा तब तक शिक्षक अशांत रहेंगे, आक्रोशित रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे। दूसरा पक्ष है वो, उस पर भी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। उन्हीं के पाठक के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी अधिकारी हैं, जिस वजह से उनको ये जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, और उनके आने से ये हुआ है कि शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचने लगे हैं। कई सारे राह चलते आपको भी लोग कहते होंगे सर, और सुधार हुआ है मतलब ड्यूरेशन को लेकर, आपकी जो बातें हैं कि 4 बजे के बाद विद्यालय में कैसे रुकेंगे इसका एक अलग पक्ष है, लेकिन यह भी कहा जाता रहा है लंबे समय से कि इससे पहले यह होता था कि शिक्षक
देरी से विद्यालय पहुंचते थे, कई तरह की चीजें थी। और लेकिन ये सरकार जो है वो सुधार की बात कर रही है, स्कूलों में सुधार की बात कर रही है, तो क्या जो मैं स्वीकार करता हूं, जो भी समाज है चाहे आईएएस हो आईपीएस हो सरकारी कर्मी हो, सबों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हम एकाध प्रतिशत कह सकते हैं कि ऐसे लेट लतीफ शिक्षक हैं, लेकिन उनके कारण आप 99% शिक्षकों को गुनाहकार साबित कर रहे हैं, उनको तनाव में उनको प्रताड़। महिलाएं के लिए बाप रे, महिलाएं जो जाती हैं बाल बच्चा गोदी में बच्चा लेकर के, बूढ़ी माँ की दवा लेकर के, बूढ़े बाप की दवा लेकर के, कैसे वो 9 बजे 10 बजे रात पहुंचती है, इसकी कल्पना करके देश शहर जाती है। महिला जो दिव्यांग शिक्षक हमारे हैं उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, इस पर कोई विचार नहीं। लेकिन शिक्षक अब आना शुरू कर दिए हैं, निर्धारित समय पर विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई में सुधार हुआ है, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप लाठी मार करके सुधार चाहते हैं, कि शिक्षकों को प्रसन्न करके गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम पढ़वा सकते हैं। दोनों में अंतर है, इसलिए शिक्षकों को आप शांति पूर्वक पढ़ाने दीजिए, अपना पाठ्यक्रम संचालित करने दीजिए, और इन शर्तों को अविलंब हटाइए कि हम मास ट्रांसफर कर देंगे। माननीय लालू प्रसाद के राज्य में भी मास ट्रांसफर हुआ था, वर्षों वर्षों तक भुगतता रहा पूरा राज्य, पूरा माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम अराजकता में तब्दील हो गया था। इसीलिए यह जोखिम सरकार नहीं उठावे, तबादले की शर्तों को विलोपित करे, ऑनलाइन परीक्षा की शर्तों को विलोपित करे। ये लोग भ्रम में नहीं रहे कि शिक्षक कहते हैं परीक्षा नहीं देंगे, अयोग्य जी नहीं, शिक्षक परीक्षा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री के की घोषणा के सम्मान में हम पहले बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा का विरोध कर रहे थे, हमने कहा कि अब नहीं देंगे परीक्षा उन नौजवानों के साथ, बूढ़े लोग 20 साल के जो अनुभवी है, लेकिन हम सक्षमता परीक्षा देंगे, माननीय मुख्यमंत्री की सार्वजनिक घोषणा के सम्मान में परीक्षा देंगे। लेकिन इन शर्तों को हटाइए, सामूहिक तबादला की शर्त नहीं मानेंगे, ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे, इन शर्तों के रहते हुए हम इस परीक्षा में नहीं बैठेंगे। कल कई तरह के इसमें प्रतिक्रियाएं विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, दोनों जगहों पर यह मुद्दा जोर से गूंजा सर, और उसके बाद ये सवाल चुकी भारतीय जनता पार्टी के भी कई प्रतिनिधियों ने ये सवाल उठाया कि देखिए कई स्कूलों में कमरे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की घोर कमी है। ये आपको लगता है कि कभी सिर्फ दिखावे के लिए या मीडिया में बने रहने के लिए भी ऐसा किया जाता है, जबकि जमीनी स्तर पर मामला कुछ और है, कहीं जो है कंप्यूटर की कमी है, कहीं एक एक कक्षाओं में मतलब दो दो क्लास को बैठना पड़ता है, इस तरह की भी खबरें लगातार हम लोग चूंकि शिक्षकों के मामले को और शिक्षा व्यवस्था पर जो सवाल हैं उसको हम कवर करते रहे हैं, बिहार तक खासकर इकलौता ऐसा चैनल है, तो क्या लगता है कि इसमें भी एक गुणात्मक सुधार की जरूरत है जिस पर फिलहाल कम ध्यान दिया जा रहा है? वही कहीं नहीं, पूरे राज्य में जितने भी मिडिल स्कूल थे जिनका उत्क्रमण हाई स्कूल में हुआ, जो हाई स्कूल थे यानी सेकेंडरी थे प्लस टू में उत्क्रमण हुआ, कहीं भी जो संरचना होनी चाहिए, भवन जो उपस्कर होना चाहिए, जो श्यामपट होना चाहिए, जो प्रयोगशाला का निर्माण होना चाहिए, उसकी मैंने कहीं भी सुव्यवस्था नहीं है, उसका घोर अभाव है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कई पत्र लिखा कि आप चाहते हैं कि 24 घंटा शिक्षक विद्यालय में रहें, तमाम विद्यालयों को आवासीय बनाइए, सबों में छात्रावास रखिए, शिक्षकों को आवास दीजिए, शिक्षिकाओं के लिए आवास दीजिए, सभी प्रेम से 24 घंटा वहां आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर कोई रेलगाड़ी छूट रही है, कोई बस गाड़ी छूट रही है, पांव पैदल शिक्षक दौड़ रहे हैं, हमारी शिक्षिका बेटियां बहनें दौड़ रही हैं, ये तबाही भरा मंजर पूरे सूबे में आप देखेंगे, यह भयावह दृश्य है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता है, प्लस टू का भवन नहीं बनता है, खेल का मैदान नहीं बनता है, लेबोरेटरी का निर्माण नहीं होता है, ये सुव्यवस्था नहीं होती है, और विद्यालयों को
स्वायत्तता मिलनी चाहिए पाठ्यक्रम चलाने के लिए, अपना रोज की कार्यक्रम तालिका बनाने के लिए। जब तक स्वायत्तता नहीं देंगे, जब तक उसको संतुष्ट नहीं रखेंगे, जो अब सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो अब लाठी डंडा चला करके कुछ दिन भले डरा धमका सकते हैं, लेकिन शिक्षक अब इतना उब गए हैं आपके डराने धमकाने से भी वे नहीं चुप रहेंगे, और भी आंदोलन तेज करेंगे यदि इन शर्तों को अविलंब नहीं हटाया गया। ये मैं आपको आज कह रहा हूं। आज सरस्वती वंदना का दिन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वाणी वंदना का दिन है। आज के दिन में हमारी शुभकामना है, हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, जो शिक्षा मंत्री अभी भी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री, दोनों से हमने मिलकर के अनुरोध किया है कि आप कल 15 को बैठिए, इसके बाद बैठिए, इन शर्तों को हटाइए और सरस्वती मंदिर को सरस्वती मंदिर बनने दीजिए। आप पुलिसिया तांडव नृत्य मत करिए, तानाशाही का रवैया मत कीजिए। छोटे छोटे सर, इस पर मैं चाहूंगा जरूर आप प्रतिक्रिया दें, कई सारे दर्शक इसको भी समझना चाहेंगे। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, एक मांग लगातार लंबे समय से उठती रही है ये भी, और शिक्षक संघ के अलग अलग जो इकाइयां हैं उसमें भी कभी कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखता है सर। इस पर भी एक कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि पूरा शिक्षक समाज, एक तरफ सक्षमता परीक्षा की भी बात कही जा रही है, दूसरी तरफ बिना शर्त जो है वो मतलब राज्यकर्मी का दर्जा, इस दोनों विरोधाभास को कैसे समझा जाए, क्योंकि ये प्रमुख मांगों में से एक रही है, आपकी प्रमुख मांगों में से, आपके संगठन के प्रमुख मांगों में से और शिक्षकों के प्रमुख मांगों में से। एकदम ठीक, विरोधाभास होगा, विरोधाभास सरकार ही पैदा करती है, विभाग ही पैदा करता है। यदि समय पर सारी जो घोषणाएं हैं उसको लागू कर देती सरकार, उनको बार बार मैंने लिखा, 2/10/80 को सभी खानगी व्यवस्था में चल रहे जो माध्यमिक विद्यालय थे, उस समय झारखंड और बिहार एक था, कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने हमारे आंदोलन के बाद जो समझौता किया, एक कलम में अध्यादेश कर दिया और सभी गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का सरकारीकरण कर दिया, कोई परीक्षा लेने की जरूरत नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जब 2005 में आते हैं, 2006 में इन्होंने उन तमाम शिक्षा मित्रों को प्रखंड शिक्षक बना दिया, जिनकी कोई भी परीक्षा नहीं ली गई। खुद माननीय नीतीश कुमार ने बिना परीक्षा लिए हजारों हजार शिक्षा मित्रों को प्रखंड शिक्षक के रूप में पदस्थापित कर दिया, हमने स्वागत किया, उनका धन्यवाद किया। फिर हमसे तो आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा ले ली, हमने दक्षता परीक्षा दे दी। अब जिंदगी भर 20 साल हम पढ़ा रहे हैं, 16 साल 17 साल से पढ़ा रहे हैं, अभी तक मेरी दक्षता पर आपका संदेह बना हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ही हमको बहाल किया, हमको योग्य समझ कर बहाल किया, हमारी अर्हता की जांच करके बहाल किया। हमने इतने दिनों से बच्चों को पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, आईएएस बनाया, आईपीएस बनाया, हम सब अयोग्य हो गए। तमाम आईएएस की परीक्षा तो ले लीजिए एक बार फिर, तमाम आईपीएस की तो परीक्षा ले लीजिए एक बार फिर, और जो कह दिया जो फेल करेगा उसको आईएएस हटा देंगे, आईपीएस हटा देंगे, है आप में हिम्मत? ये शिक्षक को बेचारा समझ लिया गया है, शिक्षक योग्य है, शिक्षक दक्ष है, आपका की तरफ है कि उनका भी एक एग्जाम लेना चाहिए। बहरहाल एक सवाल, चूंकि जब हम लाइव सेशन के दौरान हम कर रहे थे आपके साथ, हमने जब ये लाइव चर्चा शुरू की तो कई सारे लोगों के फोन आए और पूछ रहे थे कि दो सवाल पूछिएगा शत्रुघ्न भाऊ से, कि एक तो डीएलएड प्रशिक्षण जो 1.5 वर्ष का था, 2 वर्ष का सरकार ने उसे माना भी, और अब जो TRE-3 है उसमें इसकी मान्यता नहीं है, तो क्या शिक्षक संघ हमारी मांगों को भी, हमारी जो मूल मांगे हैं उस पर भी कोई विचार करेगा आगे चलकर? पहला सवाल वो, और दूसरा बीएड वाले जो शिक्षक 1-5 में हैं उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे हैं कि अधड़ में लटका हुआ है,
नौकरी रहेगी कि जाएगी, इस पर भी कोई माकूल जवाब नहीं आया है। मामला सब जुडिस है वैसे सर, दोनों सवाल पे डीएलएड वाले सर न्यायपालिका से यह जो आदेश आ गया बिहार सरकार ने तो अपील की, यह दूसरे हाईकोर्ट का फैसला आ गया जो बिहार सरकार पर भी लागू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए और लागू कर दिया, रिव्यू के लिए बिहार सरकार गए, क्योंकि हम लोगों ने बिहार सरकार को लिखा ये कहां से यह फैसला आ गया। हम लोग भी डीपी ने प्रशिक्षण प्राप्त करने देवघर गए थे, उसके बेहतर प्रशिक्षण की परीक्षा और पढ़ाई बीएड में होती है, तो बीएड हो गए अयोग्य, डीपीएड हो गए योग्य, इस व्यवस्था को हटाइए। एनसीईआरटी एक राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान है, वही इन प्रमाण पत्रों की मान्यता देने वाली संस्था है, इसलिए हम तो भारत सरकार से भी अनुरोध करते हैं, और अब माननीय मुख्यमंत्री तो चले गए एनडीए के साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि इन तमाम शिक्षकों की सेवा की मान्यता दिलवाइए। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से, ये तमाम योग्य हैं, प्रशिक्षित जो भी शिक्षक हैं, चाहे डीपीएड रहे, बीएड रहे, या जो अतिथि शिक्षक भी काम कर रहे हैं वो योग्य हैं, उनकी मान्यता दीजिए, उनको भी रोजगार में दीजिए, निराश मत कीजिए। ठीक है, सक्षमता परीक्षा पर अगर सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो शिक्षक संघ का अगला कदम क्या होने जा रहा है? सड़क पर उतरेंगे इन शर्तों के आधार पर, और जो शिक्षा विभाग नियम विरुद्ध जो अखबारों में बयान दे रहा है इस तानाशाही के खिलाफ हम अंतिम दम तक लड़ेंगे, और लड़ते रहे हैं और जीते रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, और चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है इसलिए भरोसा है, महागठबंधन के लोगों ने यहां तक गाड़ी पहुंचाई हम लोगों की, 4 लाख शिक्षकों के हित में। अब देखते हैं एनडीए सरकार जो खुद भाजपा आगे बढ़कर के सड़क पर उतर करके भाजपा के कार्यकर्ता की शहादत दी गई ऐसी भारतीय जनता पार्टी कहती रही है, लाठियां खाई माननीय सांसद के द्वारा, अभी प्रिविलेज चल रहा है बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारियों पर, जो माननीय सिग्रीवाल साहब का कपार खोदिया, बहुत तो उनका जो खून बहा है, ये राजधानी की सड़कों पर भाजपा कार्यकर्ताओं का खून जो बहा है, उस खून की कीमत देनी चाहिए 4 लाख शिक्षकों को, उनको सम्मान पूर्वक बिना शर्त तबादले रहित कंप्यूटर रहित परीक्षा देकर राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए, यही उनकी अग्नि परीक्षा होगी भारतीय जनता पार्टी की। शुक्रिया सर, हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो आखिर पक्ष है तमाम शिक्षकों का, शिक्षक संगठनों का, वो जनता तक जाना चाहिए, और आपने जो बात रखी है उम्मीद करते हैं सरकार तक ये बात पहुंचे और शिक्षक संगठनों से सरकार बातचीत करे, और इसका माकूल जो जवाब है क्या बेहतर हो सकता है वो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक समाज जब सड़क पर उतरते हैं तो वाकई शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, पढ़ाइयां चौपट होती हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।